नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इसका दूसरा नाम यम द्वितीय भी है। दीपावली के दो दिन बाद भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही 5 दिन के दीपोत्सव का समापन हो जाता है। इस साल कई लोग भाई दूज की तारीख को लेकर कन्फ्यूज हैं। कुछ लोग इसे 26 अक्टूबर को तो वहीं कुछ लोग 27 अक्टूबर को मना रहे हैं। आइए जानते हैं कि भाई बहन के इस पावन त्यौहार को क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की मान्यता क्या है। विभिन्न क्षेत्रों में भाई दूज पर्व। पश्चिम बंगाल में भाई दूज को भाई फोटा पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहनें व्रत रखती हैं और भाई का तिलक करने के बाद भोजन करती हैं। तिलक के बाद भाई भेंट स्वरूप बहन को उपहार देता है। महाराष्ट्र और गोवा में भाई दूज को भाव बीज के नाम से जाना जाता है। मराठी में भाव का अर्थ है भाई। इस मौके पर बहनें तिलक लगाकर भाई के खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। यूपी में भाई दूज के मौके पर बहनें भाई का तिलक कर उन्हें आब और शक्कर के बतासे देती हैं। उत्तर प्रदेश में भाई दूज पर आब और सूखा नारियल देने की परंपरा है। आब देने की परंपरा हर घर में प्रचलित है। बिहार में भाई दूज पर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। दरअसल इस दिन बहनें भाई को डांटती हैं और उन्हें भला बुरा कहती हैं, फिर उनसे माफी मांगती हैं। दरअसल ये परंपरा भाइयों द्वारा पहले की गई गलतियों के चलते निभाई जाती है। इस रस्म के बाद बहनें भाइयों को तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं। नेपाल में भाई दूज पर भाई तिहार के नाम से लोकप्रिय है। तिहार का मतलब तिलक या टीका होता है। इसके अलावा भाई दूज को भाई टीका के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर 7 रंग से बना तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई दूज की मुख्य परंपराएं कौन सी हैं? भाई दूज पर कई राज्यों में अलग अलग परंपराओं के अनुसार पूजा करते हैं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भाई दूज पर बहनें पहले अपने भाइयों को मरने का श्राप देती हैं या खूब कोसती हैं और उसके बाद माफी भी मांगती हैं और फिर अपनी जीभ पर कांटा चुभाती हैं। मान्यताओं के अनुसार भाइयों को कोसने के बाद मृत्यु का भय नहीं रहता और भगवान यम से बहनें फिर प्रार्थना भी करती हैं कि उनके भाइयों को किसी प्रकार का भय न रहे। इसके अलावा भाई को टीका लगाने की परंपरा और नारियल देने की परंपरा भी कई राज्यों में होती है। गोधन कूटने की परंपरा। गोधन कूटने की भी परंपरा मुख्य रूप से भाई की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि गोधन में विशेष प्रकार के कांटों को ओखली में कूटा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गोधन कूटने से भाई बहन के जीवन में संकट नहीं आता और उनका रिश्ता मजबूत होता है। इस परंपरा के अनुसार गोबर की एक मूर्ति बनाकर उसके ऊपर ईंटों को रखकर बहनें उसे डंडे या मूसल से तोड़ती हैं। माना जाता है कि ये गोधन कूटने से जीवन के संकट भी भाइयों से दूर हो जाता है। आपको बता दें कि गोधन कूटने के बाद बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर मिठाई, मिश्री और बजरी खिलाती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन यह परंपरा करने से यमुना माता और यमराज देव भी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी पर्व और त्योहार होते हैं उनसे कहीं ना कहीं पौराणिक मान्यता और कथाएं जुड़ी होती हैं। ठीक इसी तरह भाई दूज से भी कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये प्राचीन कथाएं इस पर्व के महत्व को और बढ़ाती हैं। तो आइए जानते हैं कि भाई दूज से जुड़ी क्या पौराणिक कथाएं हैं। भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की दो संतानें थीं, यमराज और यमुना। दोनों में बहुत प्रेम था। बहन यमुना हमेशा चाहती थी कि यमराज उनके घर भोजन करने आए, लेकिन यमराज उनकी विनती को टाल देते थे। एक बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर दोपहर में यमराज उनके घर पहुंचे। यमुना अपने घर के दरवाजे पर भाई को देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद यमुना ने मन से भाई यमराज को भोजन करवाया। बहन का स्नेह देखकर यमदेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। सपर उन्होंने यमराज से वचन मांगा कि वो हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भोजन करने आए। साथ ही मेरी तरह जो बहनें इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार के साथ टीका करें, उनमें यमराज का भय न हो। तब यमराज ने बहन को ये वरदान देते हुए कहा कि आगे से ऐसा ही होगा।
तब से ये परंपरा चली आ रही है। इसीलिए भैया दूज वाले दिन यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज पर तिलक का महत्व। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र सुख समृद्धि के लिए तिलक लगाती हैं। कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो बहनें अपने भाई के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती हैं, उनके भाई को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है और भोजन करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो देखा आपने हिंदू पर्व में भाई दूज का क्या महत्व है और भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में भी आज आपने जाना। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।